तो मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज को सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे अकॉर्डिंग लैंग्वेज ऑफ लव है, बहुत रोमांटिक रोमानी और बहुत अदब की लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, जब वो बोले तो अल्फाजों से खुशबू आए, जब वो बोले तो अल्फाजों से खुशबू आए और ऐसी बोली वो बोले जिसे उर्दू है। जब वो बोले तो अल्फाजों से खुशबू आए और ऐसी बोली वो बोले जिसे उर्दू आए। फकीरी में जो नवाबी का मजा दे जाए वो उर्दू, फकीरी में जो नवाबी का मजा दे जाए वो उर्दू, जो हिंदी में जैसे घुल जाती है उर्दू, जो पानी में शक्कर की तरह घुल जाए, पानी हमारा हिंदी और शक्कर उर्दू, जो पानी में शक्कर की तरह घुल जाए वो उर्दू, जो इस पेशानी पर, पेशानी माथा या ललाट जिसको बोलते हैं, जो इस पेशानी पर सिफर सी जगमगाए वो उर्दू, जो आपके अल्फाजों से आपकी तहजीब का परिचय दे जाए वो उर्दू। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने हर ड्रेस का कुछ लिखा है, उर्दू के वर्ड्स हैं तो मैं उनका मीनिंग एक्सप्लेन करती चलूँ। इश्क तो हमारा भी आफरीन था, आफरीन मतलब समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्दी ऑफ अप्रेज। इश्क तो हमारा भी आफरीन था, ये हमें ख्वाबिदा ही नाजिल था, हमें पता था ये सच्चाई होने वाला है, ये हमारे ख्वाबों में था पर फिर भी हमें बहुत प्यार था। इश्क तो हमारा भी आफरीन था, ये हमें ख्वाबिदा ही नाजिल था, हमारे इश्क को तुम्हारी रूहानियत नसीब हो, ये तसव्वुर तो ख्वाबों के भी कहाँ करीब था, ये तो ख्याल भी ख्वाबों के करीब नहीं था, हमारे इश्क को तुम्हारी रूहानियत नसीब हो, ये तसव्वुर तो ख्वाबों के भी कहाँ करीब था, तुम्हारे लिए लिखे अल्फाज जो अफसानों में बदल गए, पहले तुम्हारे लिए कुछ शब्द लिखे थे वो कहानियाँ बन चुके हैं, तुम्हारे लिए लिखे अल्फाज जो अफसानों में बदल गए, न जाने कितने ही आफ्ताब मतलब सूरज, न जाने कितने ही आफ्ताब तुम्हारे आगोश में ढल गए, हमारी आरजू तो तुम्हें रहनुमा बनाने की थी, हमारी आरजू तो तुम्हें रहनुमा बनाने की थी, तुम इजहार इकरार ना कर सके, इनकार तो ठीक से करना था, रिजेक्ट तो कर देते हैं कि इजहार इकरार ना कर सके, इनकार तो ठीक से करना था, इश्क ना था ना सही, वहशत ही सही, वहशत मतलब पागलपन, इश्क ना था ना सही, वहशत ही सही, कभी बाद सबा हमारे साथ ही रहना था। सुबह जो लोग जो अर्ली राइजर्स होते हैं 5-6 बजे अगर आप उठेंगे तो उस वक्त की जो हवा होती है उसका एक अलग ही फील होता है, उसको बाद सबा बोला जाता है। इश्क ना था ना सही, वहशत ही सही, कभी बाद सबा हमारे साथ ही रहना था। माजरत चाहूँगी पर एक शिकवा है तुमसे, माफ़ी चाहूँगी, माजरत चाहूँगी पर एक शिकवा है तुमसे, अलविदा होने से पहले अलविदा तो कहना था। ये थोड़ा गौर से सुनिएगा, तुमको अपनी पेशानी पर कुछ ऐसे सजाया था, तुमको अपनी पेशानी पर कुछ ऐसे सजाया था जैसे गौराम ने गंगा को अपनी जटाओं में बसाया था, बोले बाबा का एक नाम गौराम भी है। तुमको अपनी पेशानी पर कुछ ऐसे सजाया था जैसे गौराम ने गंगा को अपनी जटाओं में बसाया था, जब आंखें कुछ और लफ्ज कुछ और कहने लगे, जब आंखें कुछ और लफ्ज कुछ और कहने लगे, मोहब्बत का ऐसा मंजर हमने भी आजमाया था। दिलचस्पी के दौर गए और मोहब्बत फरेब हो गई, आजकल लोगों का इंटरेस्ट बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। दिलचस्पी के दौर गए और मोहब्बत फरेब हो गई, अगर साथ दुश्वार था कोई तर्क तो ईमानदार कहना था, तुम कह रहे हो कि हम साथ नहीं रह सकते, कोई रीजन तो एक्सेप्टेबल सा देते हो, अगर साथ दुश्वार था कोई तर्क तो ईमानदार कहना था, अब फरियाद गुजारिश अब गैर से क्या करेंगे, अब तुम अपने ही नारे तुमसे कैसा शिकवा कैसी शिकायत, फरियाद गुजारिश अब गैर से क्या करेंगे, हम शिकवा कर सकते इतना तो अपना रहना था।